नमस्कार सभी को, मैं हूं आरजे आनंद रेडियो महारानी से। आज हम लोग आए हुए हैं आईआईटी दिल्ली और यहां पर एक बहुत ही खूबसूरत सा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है और वहां पर हमें मिल गए हैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो महारानी पर। बहुत बहुत शुक्रिया, सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दे दूं कि ये सबसे पहले एक बहुत ही अच्छे इंसान है। दूसरी बात अगर इनके बारे में बताना चाहूं तो ये स्पोर्ट्स से जुड़े रहे हैं, कई स्पोर्ट्स में गेम्स में इनका नेशनल इंटरनेशनल भी इन्होंने खेला है और साथ ही साथ फ्लूट प्योर और म्यूजिक के साथ तबला भी प्ले करते हैं सर। और जेएनयू से आपने पीएचडी की है जी। सर, इतनी सारी डिग्री अपने पास रखने के बाद इंसान महान बन ही जाता है तो सर, आज का इवेंट क्या है जी। और ये किस तरह आम जनता के साथ जुड़ता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। बिल्कुल सर, आज का इवेंट है जिसका टाइटल है डिजाइन एंड डेस्टिनी और ये ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से आईआईटी में एक सोसाइटी है, वेलनेस सोसाइटी जी, उसकी तरफ से ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है जी। जैसा कि आप फ्लायर्स में भी देख चुके होंगे तो मैं पहले आपकी पहली बात पे आना चाहूंगा। आपने कहा कि आपने इतनी सारी डिग्रियां हासिल कर ली है, तो इतनी सारी डिग्रियां हासिल करने के बाद व्यक्ति महान हो जाता है जी। पहले इस बात को मैं नकारना चाहूंगा। अच्छा सर, और मैं कहना चाहूंगा कि डिग्री से व्यक्ति नहीं बड़ा होता है जी। डार्क हॉर्स एक नीलोत्पल मिराल है, उन्होंने एक नॉवेल लिखा है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो। हाँ जी, हाँ जी जी, उन्होंने लिखा है उसमें कि कोई जरूरी नहीं जो सेलेक्ट हो वो करेक्ट भी हो। बिल्कुल सही बात। तो हमारे मैथिली शरण गुप्त हुए महाकवि, उन्होंने कहा कि चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, और घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्या बात। तो मनुष्यता हमारी तब है जब हम मनुष्य को समझना शुरू करते हैं। राधा कृष्ण ने इसी संदर्भ में कहा कि मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का मानव होना उसकी विजय, और मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है। क्या बात है। वैसे आप, जब आपसे मैं डिस्कस कर रहा था तो आपने ये नहीं बताया कि आपकी लिटरेचर भी इतनी खूबसूरत पकड़ है नहीं, मैं एक पोएट भी हूँ। अच्छा। मैंने अपनी मतलब कविताएं भी लिखी हुई हैं। क्या बात। और है। आज के कार्यक्रम के संदर्भ में जी, मैं बस इन चंद लाइनों में अपने श्रोताओं तक अपनी बात उनके श्रवण तक पहुंचाना चाहूंगा, श्रवण इंद्रियों तक। बिल्कुल सर, स्वागत है। कि उम्र थोड़ी है, दौड़ ज्यादा है। क्या बात है। जिंदगी दौड़ पर आमादा है, और कौन कुचला ये मुड़ के मत देखो, जीतने का घर इरादा है। वाह। और दौड़ कर जंग तंग गलियों में, क्यों गया वो जो सीधा साधा है। क्या बात है सर, तो बहुत खूब। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो शास्त्रोक्त एक उक्ति है, वसुधैव कुटुम्बकम जी, जिसको कहते हैं कि यह मेरा है या तेरा है, यानी अहम निजः परो वेति गणना लघु चेत शाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। तो वसुधैव कुटुम्बकम की स्थापना के लिए ब्रह्मा कुमारीज ये 1936 से कार्य कर रही है जी। और मैं इस संस्था से 2008 से जुड़ा, और संयोग ही था, और जुड़ने के बाद जो हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ वो एक काशी कलवट के समान है। क्या बात। और मेरी नेत्रहीनता ने मेरी दृष्टिहीनता को इतना बढ़ा दिया, मैं इतना दृष्टिवान हो गया कि अब मुझे नेत्रहीनता की कमी नहीं खलती। डॉक्टर हेलन केलर हैं जी, जो जिन्होंने कहा कि सुख का एक द्वार बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। किंतु बंद द्वार पे हम इतनी देर तक ताकते रहते हैं कि खुले द्वार पर नजर ही नहीं जाता, और जब खुला द्वार हमें दिख जाता है तो हमें बंद द्वार की कमी नहीं खलती। क्या बात है सर, आपने जो नेत्र और दृष्टि वाली बात कही है, मुझे लग रहा है कि यही एक वजह है कि हिंदी भाषा में ये दो अलग अलग शब्द रखे गए क्या बात है जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बस मैं एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो लोग आपको अभी सुन रहे हैं रेडियो महारानी पे, जो लोग देख रहे हैं ये सर, और उनको एक खूबसूरत सी बात कह दीजिए अपने इन आखिरी शब्दों में। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। क्या बात। और मेरे इस जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। वाह वाह, क्या बात है सर। ओम शांति। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, और बाकी की बातचीत फिर किसी मुलाकात में आपके साथ करते रहेंगे। आज के लिए शुक्रिया, और आप सभी लोग हमारे साथ जो जुड़े हैं सुनते रहे रेडियो महारानी कुछ हटके।